वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज 70.75 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तकरीबन आज फिर से गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर, 30 पैसे की गिरावट, 0.42% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। आज जैसे भी देखा जाए तो ओपन हुआ था गैप अप से ऊपर, ओपन होते गिरावट देखने को मिली थी, पर सुबह सुबह में देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था, पर रिसेंटली देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट देते हुए नीचे गिरावट देखने को मिले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। तो देख सकते हो कि तकरीबन रिसेंटली लोग के साथ ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे आती हुई नजर आ चुकी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की, और पी रेशियो देख सकते 5.24 का, जो कि अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो बढ़िया है, 11.88% का डिविडेंड यील्ड है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 2% से ज़्यादा गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो वॉल्यूम की भी बात की जाए तो वॉल्यूम देख सकते हो आज के दिन का जो है 90 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 6,404 लाख की यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। बाइंग के लिए 41 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए सिर्फ 31 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो देख सकते 58 लाख में से 41 लाख क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। टोटल 70% क्वांटिटी ट्रेडेड में से डिलीवरी के लिए चले गए हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट देखा जाए तो देख सकते हो कि तकरीबन आज फिर से 72 लेवल जो है उसको ब्रेकआउट कल किया, और आज देख सकते फिर से गिरावट देखने को मिली। मंथली सपोर्ट 170.25 लेवल पे, जो कि यहाँ पे 70 लेवल सपोर्ट भी एक्ट हो जाएगी और नीचे आता है तो, क्योंकि पिछले मंथ में भी 70 लेवल पे देख सकते सपोर्ट लिया था, तो अभी भी सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के लिए।